द लल्लनटॉप के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है, आप लल्लनटॉप देख रहे हैं। क्या थाली बजाने के विवाद में दूसरे धर्म के लोगों ने एक शख्स का हाथ काट दिया? इस तरह का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है। लल्लनटॉप के कुछ सुधी दर्शकों ने फैक्ट चेक के लिए, पड़ताल के लिए हमारे पास भेजा। पहले वीडियो देखते हैं, पूरा नहीं दिखाऊंगा, खून खराबे से भरा है। जो दावा सोशल मीडिया पर हो रहा है, जैसे फेसबुक पर देव भरद्वाज ने वीडियो डाला और लिखा, लॉकडाउन के दौरान जिहादी आतंकवादियों को घर से दूर रहने को कहना पड़ा। एक भाई, हिंदू भाई रेवत सिंह तवर मढ़वा पोकरण की हत्या कर दी। प्रशासन से निवेदन है कि दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करें, सब्र टूट गया तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। इस दावे के साथ कई और यूज़र्स ने इसको डाला। जब हमने जाँच की तो ये दावा भ्रामक निकला। हमने सबसे पहले जब कीवर्ड्स के साथ सर्च की तो टाइम्स ऑफ इंडिया की 11 अप्रैल की एक रिपोर्ट मिली। इसके मुताबिक जनता कर्फ्यू के दिन यानी 22 मार्च को थाली बजाने के कारण अन्य समुदाय के लोगों ने रेवत सिंह से नाराजगी जताई। 4 अप्रैल को रेवत सिंह पर कुछ लोगों ने लाठी डंडों से हमला किया। गंभीर अवस्था में रेवत को पहले भड़ियाड़ा और बाद में जोधपुर के अस्पताल में रेफर किया गया। 5 दिन कोमा में रहने के बाद गुरुवार 9 अप्रैल को रेवत सिंह की मौत हो गई। रेवत सिंह के भतीजे ने भड़ियाड़ा थाने में दिलदार खान, फिरोज और इकबाल के खिलाफ FIR कराई। 10 अप्रैल को जैसलमेर के SP किरण कांग ने सूचना दी कि दिलदार खान को 302 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। इस खबर को दूसरे मीडिया संस्थानों ने भी कवर किया। रेवत सिंह के मामले में लाठी डंडे का जिक्र आया, जबकि वायरल वीडियो में दो शख्स कुल्हाड़ी से हमला करते दिख रहे हैं। हमने जैसलमेर पुलिस के सोशल मीडिया अकाउंट्स को खंगाला तो 10 अप्रैल का ये ट्वीट मिला। देखिए, जैसलमेर पुलिस, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो का मांडवा भड़ियाड़ा में हुई घटना से संबंध नहीं है। ये वीडियो किसी अन्य घटना का है। इसकी सत्यता जाने बिना सोशल मीडिया पर वायरल ना करें। जो भ्रामक जानकारी फैलाएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। साथ में पुलिस ने बताया भी कि भड़ियाड़ा के हल्का गांव माडवा में हुई घटना पर पुलिस ने दिलबर उर्फ दिलदार, पुत्र शाहिद उर्फ खां शाहिदुल्ला को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी जांच जारी है। घटनास्थल का निरीक्षण हुआ है, पुलिस कार्रवाई कर रही है। राजस्थान पुलिस ने भी इसमें लिखा कि माडवा में हुई घटना का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, और जो वायरल वीडियो हो रहा है वो फर्जी था। फर्जी वीडियो था तो कहीं का तो होगा। फिर हमने और चेक किया तो हमें 31 मार्च 2020 की द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट मिली। इस रिपोर्ट का टाइटल क्या था? बॉयज आर्म्स लेग चॉप्ड ओवर लव मैरिज। लव मैरिज की वजह से लड़के का हाथ पैर काटा। ये घटना फैसलाबाद की गोजरा तहसील की है, जहां पर लड़के के ससुराल वाले ने लड़के पर कुल्हाड़ी से हमला किया। लड़के का नाम नुमान शाहिद था। नुमान ने चक 211 GB की सना बेबी से निकाह रचाया। लड़की के घर वाले शादी से खुश नहीं थे। लड़की के कुछ रिश्तेदार नुमान के गांव में रहते थे। उन्होंने नुमान को गांव के स्कूल पर मिलने के लिए बुलाया और फिर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। आरोपियों के नाम थे रिजवान, शाहिद और अरसलान। इज्जत के नाम पर जान से मारने की कोशिश का केस था, जिसमें नुमान को अस्पताल में भर्ती कराया गया और पुलिस ने पाकिस्तान की इसमें जाँच की। तो क्या पता चला? जो वायरल वीडियो है वो राजस्थान के जैसलमेर का नहीं, पाकिस्तान के फैसलाबाद का है। वीडियो में जिस व्यक्ति पर कुल्हाड़ी से हमला हो रहा है उसका नाम नुमान शाहिद है। ऑनर के नाम पर हत्या की कोशिश का मामला। ये सत्य है कि रेवत सिंह पर 4 अप्रैल को हमला हुआ, 9 अप्रैल को जोधपुर में उनकी मौत हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हमला जनता कर्फ्यू के दिन थाली बजाने को लेकर हुए विवाद की वजह से ही हुआ था। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। राजस्थान पुलिस ने अपने ट्विटर अकाउंट पर वायरल वीडियो के संबंध में दावा बताया। सत्य क्या है? थाली बजाने का विवाद हुआ जिसमें दिलदार खान और उसके साथियों ने हमला किया, रेवत सिंह की मौत हुई। दूसरा सत्य, राजस्थान पुलिस ने कार्रवाई की, आरोपी को गिरफ्तार किया। तीसरा सत्य, इस घटना के साथ जो वीडियो वायरल हो रहा है वो भारत का नहीं है, पोखरण का नहीं है, जैसलमेर का नहीं है, वो वीडियो पाकिस्तान के फैसलाबाद का है। सोशल मीडिया पर कई चीज़ों को मिलाकर एक नया सत्य करने की कोशिश की जाती है। आपके पास भी कुछ पहुँचा है जिसकी सत्यता पर संदेह है, भेजिए पड़ताल के लिए हमारे पास। हमारा पता है padtaalmail@gmail.com, स्पेलिंग PADTAAL पड़ताल mail@gmail.com। शुक्रिया। विदेश में रहते हैं और आपके इलाके तक पहुंचा है कोरोना वायरस का असर, कैसे हैं हालात, उस देश की सरकार ने उठाए हैं क्या कदम और आप खुद कैसे कर रहे हैं कोरोना वायरस को डील, अगर सब तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं तो बनिए द लल्लनटॉप की कोरोना डायरीज का हिस्सा। अपना वीडियो बनाइए, ड्यूरेशन मात्र 3 मिनट। वीडियो की शुरुआत में अपना नाम, काम, उम्र और पता बताइए, फिर बताइए अपना अनुभव। अपने अलावा थोड़े आसपास का माहौल भी दिखाइए, चाहे बालकनी से वीडियो बनाइए या दिखाइए कि कैसा है आपके दफ्तर का सीन। और वीडियो भेजने का पता है coronadiariesLT@gmail.com।
आपकी बात को दुनिया तक पहुंचाएगा और कोरोना डायरीज को वायरस से लड़ाई का हथियार बनाएगा आपका दोस्त द लल्लन टॉप।